तक पहुंची कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या 12 घंटे में 31 नए पॉजिटिव मिले हैं। झुंझुनू, टोंक, झालावाड़ में 7-7 नए मामले सामने आए हैं। जैसलमेर में 5, बांसवाड़ा में 2, बाड़मेर जोधपुर में 1-1 पॉजिटिव मामला सामने आया है। बता दें आपको कि स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जयपुर के चार दीवारी में महाकर्फ्यू जारी है। उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर सहित कई जिलों में कर्फ्यू के बीच पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है। तो योगेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, न्यूज कोऑर्डिनेटर। योगेंद्र जी, लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और अब जाकर 430 पर कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या पहुंच गई है। राजस्थान की अगर बात करें तो सिर्फ जयपुर ही नहीं बल्कि लगभग सारे जिले चपेट में है कोरोना की, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामले लगातार सामने आ ही रहे हैं। तो स्थिति हालांकि कंट्रोल करने की कोशिश पूरी 100% अपने तरीके से सरकार, प्रशासन और पुलिस कर रही है, लेकिन फिर भी स्थिति चिंताजनक है। बिल्कुल प्रीति, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जैसे लगातार यही बात उठ रही है कि कोरोना चल करके नहीं आ रहा, हम इसे ले रहे हैं। जैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक फॉर्मूला है हम उसको तोड़ते हैं, हम उसके आ जाते हैं। कोरोना के बढ़ने का सबसे बड़ा जो कारण है वह यही है कि कहीं ना कहीं हमारी नेग्लिजेंसी और लापरवाही है। रूल्स को हमने जैसे ही वायलेट किया है उसके बाद ही कोरोना ने अपना दायरा बढ़ाया है। आप किसी के संपर्क में आ रहे हैं, प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद भी आप अगर बता नहीं रहे कि मैं कहां से आया हूं, अगर कहीं पॉजिटिव केसेज के बीच से आया हूं तो बताना चाहिए। 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड को लोग निकालने में पता नहीं क्यों इतना हिचकिचा रहे हैं, जबकि सारी सरकारी सुविधाएं दी जा रही है। 1% के लिए आप सोचिए, अगर यही बीमारी महामारी नहीं होती और किसी उसको उसकी जद में आता, लाखों रुपए खर्च करने पड़ते जेब से। आज प्रशासन फ्री में इलाज करा रहा है, आपकी तमाम व्यवस्था कर रहा है, सिर्फ इतना सा कोऑपरेशन चाहता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। आप बता दीजिए जो लोग आपके पास में आ रहे हैं, आप उनको कोऑपरेट करिए, सिर्फ इतनी सी डिमांड है प्रशासन की। उसमें भी लोग अगर नजर बचा करके दाएं बाएं घूमना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल की घड़ी है ये, और ऐसे के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। और मेरा मानना है कि जो जेल के अंदर ही उनका आइसोलेशन वार्ड बना देना चाहिए, उन्हें क्वारंटाइन पीरियड जो है वो भी जेल में होना चाहिए। ये आप जो नजारा देख रहे हैं इस वक्त मेरे पीछे, ये रामगंज बाजार है और सीधा यहां से ये जयपुर का हॉटस्पॉट कहा जा सकता है कोरोना को लेकर के। इस तरह के चारों तरफ रामगंज के चौपड़ को जाने वाले तमाम रास्ते ऐसे सील किए हुए हैं। पुलिस के जवान या मुस्तैदी से होते हैं या अधिकारी होते हैं, किसी की एंट्री नहीं है। एंट्री सिर्फ जरूरी जो सेवाएं हैं उन्हीं को दी जा रही है। आप देख सकते हैं जैसे ये 2 बजे की शिफ्ट है, अभी बदल रही है, तो जवान आ रहे हैं जा रहे हैं। ये आवागमन जो आप सामने देख रहे हैं ये उन्हीं लोगों का देख पा रहे हैं कि जो शिफ्ट चेंज करके जा रहे हैं और आ रहे हैं। अभी आप देखे जैसे इस वक्त इसे और सख्त कर दिया गया है, अभी पुलिस के जवान आ रहे हैं, ड्यूटी ऑफ करके आ रहे हैं। यहां 3 शिफ्टों में ड्यूटी दी जा रही है, सुबह 6 से 2 बजे तक, फिर 2 से रात 10 बजे तक, और 10 बजे से सुबह फिर 6 बजे तक। इस तरह से ड्यूटी लगाई जा रही है और पूरी मुस्तैदी के साथ में यह जवान खड़े होते हैं, पूरा सन्नाटा कह सकते हैं। यह वह बाजार है जयपुर का जिसमें अक्सर गहमा गहमी रहती है, और न केवल दिन की बात करें रात में भी इसी तरह से व्यस्ततम बाजारों में कहा जा सकता है। तो यहां की आबादी सबसे ज्यादा आबादी है वो मुझे लगता है कि प्रदेश के जो बड़े स्पॉट्स हैं जिन्हें हॉटस्पॉट आबादी के हिसाब से कहें से काफी हैं, हम दायरे में ज्यादा पास करते हैं। यही बड़ी वजह है कि कोरोना में आइडेंटिफिकेशन और जो संक्रमित हैं उनकी पहचान करने में या फिर उनकी स्क्रीनिंग करने में सबसे बड़ी परेशानी आ रही है प्रशासन को, वो ये आ रही है प्रीति कि यहां का घनत्व जो जनसंख्या का है वो काफी ज्यादा है, और ये पूरा जो एक देख सकते पूरा सन्नाटा है। ये एक साइड जो है रामगढ़ की, उस तरह से हम आपको देख रहे हैं। इसी तरह से जो रास्ते हैं मेरे जो सामने से देखते हैं आप, लेफ्ट साइड में जो आ रहा है 4 के लिए रास्ता जाता है, सीधा गलता गेट जाता है, और राइट साइड का जो है घाट गेट के लिए रास्ता जाता है इसी चौपड़ से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह कह सकते हैं, और राजधानी का सबसे
हॉट स्पॉट जो पॉइंट है वो यही है, इसी की वजह से जयपुर को कर्फ्यू का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ विवेक है, जो पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव ये जो चल रहा है सारा, इसमें नजर बनाए हैं। विवेक, कुछ और जैसे केसेज बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद में कुछ और प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है, कुछ और सख्ती करने की कुछ कवायद कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए 260 के करीब शहर में चेक पॉइंट्स बनाई गई है, वहां पर न केवल संबंधित थाना पुलिस, आरएसी और ट्रैफिक पुलिस के जवान नाकों पर लगाए गए, हर वाहन की वहां निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा आप देख रहे हैं परकोटे क्षेत्र में तमाम ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, अभी भी कुछ देर पहले पुलिस के कुछ ड्रोन यहां से उड़े थे और तमाम लोगों को छतों पर भी जो है आने की मनाई की गई, जिसके लिए तमाम ये मॉनिटरिंग की जा रही है। पल पल की तमाम जानकारी जो है शहर में लगे सीसीटीवी सर्विलांस जो है जो अभय कमांड सेंटर से उड़े वहां से नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार है। परकोटे क्षेत्र की अगर बात की जाए तो बाहरी इलाकों में भी जो वाहन लॉकडाउन के पास लेकर घूम रहे हैं, अब उन पास की जांच करेंगे, क्योंकि इस तरह की शिकायतें लगातार पुलिस के पास आई थी कि लोगों ने गलत कारण बताकर के जो है अपने पास बनवाए, तो उन पास की जांच की जा रही है, जिससे अगर गलत कारण सामने आए पास को रद्द किया जा रहा है। तमाम ऐसे वाहन जो अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं उनके बाहरी इलाके में आवाजाही है। परकोटे क्षेत्र में गैर सरकारी कर्मचारी हो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, किसी को भी रामगंज इलाके से बाहर जाने की पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो इलाके में रहा है हो सकता है वो संक्रमित कांटेक्ट में आया हो, वो बाहर जाकर इस संक्रमण को और ज्यादा न फैलाए, इसी के लिए ये तमाम जो है अब सख्ती पुलिस प्रशासन की यहाँ पर देखी जा रही है। कुछ देर में जो है यहाँ पर तमाम जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर आते हैं, लगातार इलाके की गश्त करते हैं, पेट्रोलिंग यूनिट्स यहाँ पर बनाई गई, साथ ही निर्भया स्क्वाड जो महिला यूनिट है उसकी 40 जो दुपहिया सवार जो बाइक बेड़ा है उसमें पूरे परकोटा क्षेत्र में 12 घंटे के लिए जो है गश्त लगाई गई है। बीते करीब एक सप्ताह से जो है लगातार निर्भय स्क्वाड शहर की गश्त कर रही है और पल पल की जो है यहाँ पर अपडेट ले रही है। प्रीति, जयपुर की एक खास बात है, चौड़ी चौड़ी सड़कों के साथ में जो लिंक रोड है वो थोड़ी तकड़ी होती है, वहाँ पुलिस के बड़े व्हीकल जाना मुश्किल है। इसी वजह से जो ब्लू ड्रेस में दुपहिया वाहन जो महिला स्क्वाड तैयार किया गया है वो छोटी छोटी गलियों में जाकर के भी लोगों को समझाइश कर सके और जो नहीं मानते उनके साथ में सख्ती से पेश भी आते हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात जो है ड्रोन जो दिखाए जाते हैं, ड्रोन के जरिए ये देखा जा सकता है कि आप छतों पे तो नहीं है। मैं छतों का एक नजारा दिखाना चाहूंगा, ये सामने जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं पूरा ये रामगंज के एक क्षेत्र को जोड़ने वाली बिल्डिंग है पूरा एरिया, और यहां लोग अक्सर क्या ऊपर घरों पे चले जाते हैं तो छतों पे जाने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग न केवल आप सड़कों पे, आपको ऊपर भी मैनेज करना है, आपको मेंटेन करना है कि आप कहीं एक साथ एक झुंड में एक गुच्छे में इकट्ठे तो नहीं है, क्योंकि यही सबसे बड़ी एक चुनौती है प्रशासन के सामने कि आप सोशल डिस्टेंसिंग अगर तोड़ेंगे तो वापस से फिर उसी की जद में आ जाएंगे, आपके तमाम जो प्रयास हैं वो फिर फेल हो जाएंगे, तो एक बड़ी वजह है। विवेक के पास मैं एक बार फिर लेके जाना चाहूंगा, विवेक क्या माना जाए जो व्हीकल स्क्वाड जो बनाया है महिला कांस्टेबल्स का, तो उसकी बड़ी वजह यही है कि आप छोटी गलियों में भी गश्त कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए परकोटे के भीतर कई ऐसे गली और चौराहे सकड़ी गलियां हैं जहां पर जो चौपहिया वाहन जो है वो जाने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी गलियों में घूम घूम पर निर्भय स्क्वाड न केवल लोगों को मॉनिटरिंग कर रही है बल्कि ये हिदायत भी दे रही है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और लॉकडाउन कर्फ्यू के जो नियम है उसकी सख्ती से पालना करें। अगर किसी शख्स को किसी तरह की कोई तकलीफ सामने आती है तो उसकी भी जो निदान है उसके लिए तमाम संबंधित पुलिस थाने में संपर्क किया जाए, उसे राहत सामग्री चाहिए, राशन सामग्री चाहिए, तो वो जो जिला प्रशासन और पुलिस के जो कंट्रोल रूम में। मैं एक बार रोकना चाहूंगा प्रीति, मैं ये दृश्य दिखाना चाहूंगा, ये चेक पोस्ट है, यहाँ पे एक डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी अभी चेक करके गए, 2:15 हुई है, 15 मिनट का समय देते हैं, ड्यूटी पे पॉइंट पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे लोग, ये जो आवागमन मैं पहले भी आपको बता रहा था वह सीधा जो शिफ्ट चेंज करते हैं लोग उन्हीं का है, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो या फिर पुलिस के जवान हो, पुलिस के अधिकारी हो, तमाम जो लोग हैं उन्हें शिफ्टिंग का वक्त होता है, और अब इसी तरह से हर पोस्ट पे अब देखिए सामने भी एक एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी सामने से आ रहे हैं और ये यह देखते चल रहे हैं कि हर पॉइंट पे जवान मुस्तैद हैं कि नहीं है, पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं। प्रशासन अपनी ओर से किसी भी तरह की कोई ढिलाई या कोताही बरतना नहीं चाहता। मैं वापस से एक बार टू व्हीलर जो है उनका स्क्वाड को लेकर के जो विवेक जानकारी दे रहे थे, विवेक
बिल्कुल देखिए, 40 दुपहिया वाहनों पर सवार करीब 80 जो महिला पुलिस का बेड़ा निर्भय स्क्वाड के नाम से जिसे जाना जाता है, वो अब न केवल गश्त व्यवस्था यहां कर रही है, साथ ही लोगों को ये सख्त हिदायत भी दे रही है कि घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, कर्फ्यू क्षेत्र जो इलाका है उसमें कर्फ्यू का पालन करें, घरों से बाहर न निकले, अगर उन्हें किसी तरह की कोई आवश्यक सामग्री चाहिए, दवाई चाहिए, राशन सामग्री चाहिए, तो जिला प्रशासन और पुलिस के जो कंट्रोल रूम है वहां पर सूचना दें, तुरंत थोड़ी देर बाद जो है पुलिस अधिकारी भी वहां पर पहुंच रहे हैं, पुलिसकर्मी भी लोगों के घर तक जो है राशन सामग्री दूध जैसे सामान तक पहुंचा रहे हैं, जिससे लोगों को कर्फ्यू इलाका हो चाहे लॉकडाउन, लोगों को बाहर या बाजार तक न आना पड़े, क्योंकि अब काफी हॉटस्पॉट जो है ये रामगंज इलाका बन गया है, इसीलिए तमाम ये सख्ती जो है यहाँ पर देखी जा रही है। आप देखो बिल्कुल यहाँ पर छतों पर भी लोग जो है कहीं नजर नहीं आ रहे, नहीं तो आम दिनों में छतों पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर दिन में नजर आते हैं, लेकिन अब पूरी तरह से इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, पूरी तरह सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है, सिर्फ आपातकालीन सेवाएं और पुलिस प्रशासन के वाहन ही इन सड़कों पर गुजर रहे हैं, इसके अलावा पूरी तरह से जो है बाहरी अन्य किसी सरकारी महकमा हो चाहे कोई निजी वाहन हो, कोई वाहन को यहाँ आवाजाही की छूट नहीं। देखिए जैसा अभी एक व्यक्ति हम दृश्य में देख पा रहे थे, वो पास अपना दिखा रहे थे, उसके बावजूद भी उन्हें रवाना कर दिया गया, वजह साफ है कि यह प्रशासन किसी भी तरह की कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहता प्रीति, और यही बड़ी वजह है कि रामगंज हॉटस्पॉट बनने से बच सकता था अगर थोड़ा प्रशासन का कहा माना जाता है यहाँ पे। जैसे मैंने पहले ही कहा कि जनसंख्या का घनत्व प्रदेश के कई इलाकों से यहां आबादी ज्यादा है, कम जगह में ज्यादा लोग निवास करते हैं, तो इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो गया था, और हर व्यक्ति को यही चिंता थी कि खासकर ऐसे बस्तियों में, ऐसे एरिया में अगर कोरोना का प्रवेश हो गया तो क्या होगा। और यही बड़ी वजह कह सकता हूं आज मैं कि जयपुर राजधानी तो है ही, कोरोना के लिहाज से भी जयपुर राजस्थान का सबसे टॉप पे है, और कोरोना कैपिटल भी कहें तो कोई अतिशक्ति नहीं है। जी प्रीति, बिल्कुल योगेंद्र जी, शुरुआत में से ही हम देख रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता ही रही है, और अब जब लोग अपनी मनमानी करते नजर आए थे तो ये जो प्रशासन है और भी ज्यादा सख्त होता दिखाई दिया। तस्वीरों में हमने देखा कि किस तरीके से पुख्ता चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, और पहले से मुझे अभी जैसा मैं तस्वीरों में आपके पीछे देख रही हूं कि पहले की अपेक्षा यहाँ लोग अब कम निकलते दिखाई दे रहे हैं। हम शुरुआत की अगर बात करें, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब लोग मनमाने तरीके से किसी न किसी बहाने से निकलते भी नजर आते थे और पुलिस उन्हें टोकती थी, लेकिन अब की अगर तस्वीरें देखिए तो तब और अब में काफी अंतर नजर आ रहा है। क्या ये सरकार, ये प्रशासन की सख्ती का ही नतीजा है कि लोगों में कुछ थोड़ा बहुत डर बना हुआ है जिसके कारण वो बाहर नहीं निकल रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं प्रीति, लगातार मीडिया की ओर से, प्रशासन की ओर से अपील की जा रही थी कि आप घरों में रहिए, लॉकडाउन मत तोड़िए, 21 दिन की बात है, और यह सच्चाई है। अगर राजस्थान में दो कारण सबसे बड़े बने, एक तो लोगों की नेग्लिजेंसी, रूल्स को तोड़ना, और दूसरा तबलीगी जमात, अगर यह सब वाकया नहीं होता तो 14 तारीख को मुझे लगता है कि 50% लॉकडाउन हट सकता था, लेकिन अब बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री इस बात का संकेत भी दे चुके हैं, प्रशासन एक स्टेप बाय स्टेप सख्त रवैया इख्तियार करता है, और ये समझ की बात होती है, लोगों को देखना चाहिए कि दुनिया के जो कभी बड़े बड़े जो कंट्री हैं उसमें कोरोना का क्या अंजाम हुआ है, हम उससे कुछ नसीहत लें, हम उससे लेसन लें, हम उससे सबक लें, और उस हिस्ट्री को देख करके हम अपने आप को सिक्योर कर सके, खासकर मेडिकल दृष्टि से। लेकिन अगर ये लोग समझ पाते तो मुझे लगता है कि जयपुर को आज महाकर्फ्यू का सामना नहीं करना पड़ता, और लगातार मीडिया की अपील करने के बावजूद, सरकार प्रशासन की अपील करने के बावजूद, अगर सरकार के इस रवैये पे थोड़ा भी लोगों में अगर समझ होती तो मुझे लगता है कि ये जो बैरिकेडिंग आप पीछे देख रहे हैं, आप जायज हैं कि आपका जाने का जो रुक है वो नाजायज है, ये पहचाना बहुत मुश्किल है। हर व्यक्ति को यहाँ रोका जाता है, देखा जाता है, चाहे प्रशासन की गाड़ी में क्यों ना हो, उसके बाद इजाजत दी जाती है। एक बड़ी बात और मैं यहां शेयर करना चाहूंगा, जैसे ही हम वॉल सिटी में घुसे थे, दो जगह हमारी गाड़ी को सैनिटाइज किया गया, बाकायदा पूरी गाड़ी को, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो खड़ी कर रखी हैं, जैसे व्हीकल निकल करके आता है वहां से सैनिटाइज किया जाता है, जैसे आप निकल करके जाएंगे आपको फिर गाड़ी को वापस सैनिटाइज, व्हीकल के टायर तक को सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद ही आप वॉल सिटी से बाहर निकल पाएंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से ये कह सकते हैं कि काफी मुस्तैद हैं जवान।